नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित में। मैं हूं प्रभास मिश्रा। आज आ गया मैं फिर से एक नया वीडियो लेके, और मैं आज पूरी बात करूंगा बजाज फाइनेंस पे। चूंकि बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि सर किस लेवल पे से बाय करना चाहिए, कुछ लोग ऊपर के लेवल पे भी बाय बैठे हुए हैं, तो हमने बताया था बाइंग लेवल क्या है। बट हमने बताया था कि किसी भी तरीके की जल्दबाजी यहाँ पर आपको अच्छी पोजीशन लेने से रोक सकती है। नो डाउट इट इज़ अ क्वालिटी स्टॉक फॉर द इन्वेस्टमेंट फॉर 3 to 5 years, बट इफ़ यू वॉन्ट टू टेक गुड पोजिशन देन यू हैव टू वेट ओवर हेयर। तो देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा आपको याद क्या रखना है। मैंने बताया है कि बजाज फाइनेंस की उन्होंने लास्ट वीडियो में बात करी थी, चर्चा करी थी कि इनका बिजनेस इंपैक्ट होगा ड्यू टू लॉकडाउन, NBFCs, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के बिजनेस इंपैक्ट होंगे, चूंकि अभी लॉकडाउन का पता नहीं कब तक चलेगा। तो उसी से जुड़ी हुई पूरी खबर आ रही है, और इनकी तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से भी एक बात आई है, वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं लेवल भी बताऊंगा कि किन लेवल्स पे आपको ये बाइंग सही रहेगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो देखिएगा, लॉकडाउन के कारण बजाज फाइनेंस ने पिछले 10 दिनों में 3.5 लाख कस्टमर क्या कर दिए हैं, खो दिए हैं। 3.5 लाख कस्टमर विद इन 10 डेज, तो इट इज़ अ बिग ह्यूज अमाउंट। देखिएगा, और इनकी तरफ से जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनकी तरफ से एक बात आई है, तो देखिएगा वो भी देखिएगा। इन्होंने क्या कहा है, वी आर इन एन अनचार्टेड जोन, वी विल बी पार्शली फ्लाइंग ब्लाइंड बिटवीन April 15 एंड June 30 जैन वॉन्ड। देखिएगा, इन्होंने कहा है कि हम लोग 15 अप्रैल से 30 जून तक एक तरीके के ऐसे जोन में हैं जहां पे हमें खुद भी नहीं पता हमारा बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट और कैसा इम्पैक्ट पड़ सकता है, ड्यूरिंग द April 15 to June 30। और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो क्वार्टर स्टार्ट होगा वो बहुत ही दिक्कतमय रहेगा इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। और देखिएगा, यहाँ पर बजाज फाइनेंस मैनेजमेंट टीम लेड बाय इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव जैन ने कहा है कि 10 दिनों में 3.5 लाख कस्टमर इन्होंने खो दिए हैं, इम्पैक्टिंग इट्स बिजनेस इस एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बाय ₹4,750 करोड़। तो देखिएगा, इनकी जो एसेट्स मैनेजमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ा है, 4,750 करोड़ का जो आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो बात आई है इनकी तरफ से वो ये आई है कि ना केवल एक क्वार्टर, ये भी मत मानिए हम लोगों ने बताया था, एटलीस्ट 3 क्वार्टर तो यहाँ पर लगेंगे ही, और यहाँ से भी कुछ यही खबर सुनने को मिल रही है। इन्होंने कहा है कि जो अचानक से ये लॉकडाउन हुआ है, इट विल इफेक्ट द कंट्रीज लार्जेस्ट कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी, कंपनी जो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी है उसके बिजनेस को इम्पैक्ट डालेगी। कब तक, अप्रैल से जून तक, June 2020 तक। बट यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे जो बोला, दीज परफॉर्मेंस पैरामीटर कुड कम अंडर सीवियर प्रेशर। देखिएगा, ये जो परफॉर्मेंस है कंपनी की वो सीवियर प्रेशर बोला है इन्होंने, ठीक है ना, काफ़ी दिक्कतों में आ सकती है। द मोस्ट एविडेंट इम्पैक्ट विल बी ऑन इट्स बिजनेस, ठीक है ना, काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट ला सकती है। और ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, विच में रिटर्न टू नॉर्मलेसी इन सेप्टेम्बर इफ द लॉकडाउन इज लिफ्टेड ऑन April 14। अगर लॉकडाउन अगर 14 अप्रैल को ख़त्म हो जाता है तो धीरे धीरे ये सिचुएशन इनके आने वाले 1-2 क्वार्टर में समाप्त हो जाएगी और इनकी नॉर्मल बिजनेस की पोजिशन आ जाएगी। बट इन वर्स्ट केस द बिजनेस में रिबाउंड ओनली बाई March 21। यानी कि कहता है अगर बहुत ज़्यादा लॉकडाउन बढ़ाना पड़ गया, कर्फ्यू बढ़ाना पड़ गया, तो जो इनका नॉर्मल यानी नॉर्मल बिजनेस ट्रैक पे कब आएगा, अगले March 2021 तक। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपको अभी ये नहीं देखना है, क्योंकि आज बहुत बड़ी बुलिश रैली मार्केट में देखने को मिली है, इसलिए स्टॉक ने इतना मोमेंटम दिखाया है। स्टॉक ने आज लो बनाया था, आपका देखने को मिल रहा होगा 2081 का लो बनाया था, काफ़ी ट्रेडिंग भी चल रही है यहाँ पर, और फिर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है यहाँ पर कितनी की, 2249। और अगर ये स्टॉक 2000 का लेवल तोड़ेगा देन स्टॉक ये फिर नीचे जा सकता है, और मेरे हिसाब से 1900 या फिर अब मैं कहूँ 1800 के लेवल, 1800 का लेवल जो है वो स्टॉक को आपको धीरे धीरे एक्युमुलेट करना 1800 के लेवल से,
और ये स्टॉक 1300 लेवल तक जा सकता है अगर ये जाता है तो। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं सही हूँ, मैं ही सही हूँ, आप अपने हिसाब से आपका पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, बट मेरे हिसाब से मैं बिजनेस के इम्पैक्ट को देख रहा हूँ, वहाँ पे दिक्कतें आ सकती है। बहुत ही क्वालिटी बिजनेस है, नो डाउट, कंपनी का कंपनी बहुत ही नो डाउट अच्छी है, बट यहाँ पर कितने इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले क्वार्टर में वो इम्पॉर्टेंट है। तो अगर ये 1800 के लेवल से ये मस्ट बाय होगा और धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है 3 से 5 साल के लिए, और आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेंगे, बेहतरीन रिटर्न। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।